उड़द में पिछले 15 दिनों से इंदौर मंडी में कामकाज बेहद सुस्त होने से भाव में स्थिरता बनी हुई है, जबकि दिल्ली और आंध्र प्रदेश के कारोबारियों की मांग उड़द में फिर कमजोर बताई जा रही है। दिल्ली के कारोबारियों ने पहले ही काफी स्टॉक कर रखा है, जबकि आंध्र प्रदेश में उड़द की फसल आने से बर्मा उड़द में मांग कमजोर होती जा रही है। बाजार में फिलहाल जबरदस्त धन तंगी के कारण भी ग्राहकी कमजोर है। इसी बीच बर्मा से एक जहाज 11,000 टन के साथ मुंबई 20 मई को पहुंचा था। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन उड़द की आवक छुटपुट शुरू हो चुकी है और जल्द आवक बढ़ेगी भी। बर्मा में ऊंचे उड़द के भाव के और रुपये में कमजोरी से आयात पड़त नहीं बैठ रही है, इससे चने और उड़द में भी दबाव बना हुआ है। फिलहाल स्थिति साफ होने तक उड़द में तेजी की स्थिति नजर नहीं आ रही है। वहीं चने में सीमित पूछ परख होने से भाव में सुधार रहा। चना कांटा नीचे में 4600, ऊपर में 4625 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला गया। अन्य दाल दलहन में कामकाज सामान्य रहा, भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।